दोस्तों लुमिनस कंपनी का 12 वोल्ट का LV875 का ये इन्वर्टर है। इसका दोस्तों कार्ड जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है और काफ़ी गंदा ये दोस्तों इन्वर्टर हो रहा है। इसमें हमें कार्ड इसका चेंज करना है और इसे ओके करना है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं रिले के पास से ये पूरी तरीके से जल चुका है। दोस्तों हम पे इस वाले इन्वर्टर का ये वाला कार्ड भी है, लेकिन वो सेकेंड हैंड है, इसलिए कस्टमर वो नहीं लगवा रहा, उसे नया कार्ड इसमें लगवाना है। तो दोस्तों इसमें हम जो कार्ड डालेंगे ये सुकैम का है, सुकैम का डुप्लीकेट है दोस्तों ये, लेकिन काम काफ़ी अच्छा करता है। दोस्तों 800VA का ये कार्ड है, तो इसको हम इस इन्वर्टर में डालेंगे। मार्केट में आपको ये कार्ड सुकैम के नाम से आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इस सुकैम के कार्ड को किसी भी 12 वोल्ट के स्क्वायर वेव इन्वर्टर में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लुमिनस के इन्वर्टर में सुकैम का कार्ड कैसे डाला जाता है। तो दोस्तों ये जैक जो जल गया है इसको हम काट देंगे और बाकी जैक हटाकर इस कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों कार्ड को मैंने बाहर निकाल दिया है और काफ़ी जला हुआ है, तो इसको हटा देते हैं और बाकी जो इसके अंदर गंदगी है वो सब साफ कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों धूल इसकी सब हमने साफ कर दी है। अब इस प्लस वाली वायर को पीछे कर देंगे और अब इन्वर्टर में किट रख कर देख लेते हैं। दोस्तों किट को रोकने के लिए किट में गड्ढे दिए होते हैं, तो उसी के अनुसार हम इस इन्वर्टर में गड्ढे को कर लेंगे। दोस्तों एक इसमें बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन बाकी जो है ये हम इसको तोड़ देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों एक कोने वाला बिल्कुल ठीक आ रहा था, बाकी हमने 1.5 इंच के ये पेज लगा दिए हैं और बाकी जो नक्के थे हमने सब तोड़ दिए हैं और एक हमने साइड में इसका पेज लगा दिया है। और दोस्तों माइनस की जो वायर है हमने उस पर सोल्डिंग कर दिया। इसमें थिम्बल लगा होता दोस्तों, थिम्बल अगर मैं लगाता तो पंखे में वो लगता, इसलिए मैंने डायरेक्ट सोल्डिंग कर दिया। और देख सकते हैं किट बिल्कुल फिट इसमें आ चुकी है। अब इसको कस देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको मैंने कस दिया है और ये हिलाने पर भी नहीं हिल रही। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इस जैक की वायरिंग करनी है, तो वायरिंग हम दोस्तों इन्हीं वायरों से करेंगे, जो इन वायरों में टाई लगी है उनको हम हटा देंगे। तो दोस्तों इस जैक पर जो हमें वायरिंग लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस जैक में जो सबसे पहली पिन होती है वो न्यूट्रल की होती है और उसके बाद जो दूसरी पिन होती है वो इनपुट की होती है और तीसरी पिन आउटपुट की होती है और चौथी वाली जो लास्ट वाली पिन है वो इनपुट के फ्यूज़ की होती है। और तीन पिन के जैक जो होता है उसके ये पिन जो होती है पहली वाली उसको न्यूट्रल दिया जाता है और उसके बाद जो आती है वो आउटपुट की आती है, जो ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट होती है, और तीसरी पिन जो है वो चार्जिंग की होती है। दोस्तों इस तरीके से वायर को हमें इस जैक तक लेके आना है। सबसे पहले हमें तीन वायरें लेके जानी है तीन पिन के जैक के लिए। तो दोस्तों पहले जो होता है ये न्यूट्रल होता है, उसके बाद आउटपुट होती है, उसके बाद चार्जिंग होता है। तो तीन वायरें हम लेके जाएंगे ट्रांसफॉर्मर पे से। ये न्यूट्रल है दोस्तों, काले रंग की वायर इसमें लगी है, तो न्यूट्रल की वायर चली गई और ये आउटपुट की जो लास्ट वाली होती है ट्रांसफॉर्मर की वो आउटपुट होती है और बीच वाली जो होती है वो चार्जिंग की होती है और चार्जिंग जो जा रही है हमारी वो फ्यूज से होकर जा रही है। तो तीन वायरें हमारी तीन पिन के जैक पर लगने के लिए तीन वायरें ये हमने निकाल ली हैं। दोस्तों इस किट में जो ये पिन है पहली वाली चार पिन की और तीसरी वाली ये दोनों आपस में नीचे से एक ही हैं, तो इसलिए न्यूट्रल एक पिन को हम कोई सी भी दे देंगे। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल तीन पिन वाली जैक को दे दिया है, इसलिए हमें चार पिन वाली जैक को न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी वाली पिन पे मेन की वायर लगानी है और तीसरी वाली पिन पे आउटपुट की वायर लगानी है और जो लास्ट वाली चौथी वाली पिन है उस पर हमें फ्यूज़ की वायर लगानी है। दोस्तों लुमिनस के इस इन्वर्टर में जो आउटपुट काट रखी है वो फ्यूज़ से काट रखी है और जो सुकैम में होती है वो इनपुट फ्यूज़ से कटी होती है, तो इसलिए हम इनपुट को फ्यूज़ से काटेंगे। ये इनपुट की
वायर है इसको हम यहाँ लगा देंगे और दूसरी वायर यहाँ पर लगाकर फ्यूज़ वाली जैक की पिन तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों फ्यूज़ से आउटपुट की वायर को हटा देना है। और दोस्तों एक वायर हम आउटपुट के लिए लेके जाएंगे, तो वाइट वाली वायर को एक को हम काट देंगे और ये वाइट वाली जो दूसरी वायर है इसको हम यहाँ से हटाने के बाद उसको जो सॉकेट की आउटपुट वाली पिन है उस पर हम लगा देंगे, ये वाली पिन पर दोस्तों। तो इस वायर को उस वाली पिन पर लगाकर आउटपुट के लिए ले जाएंगे। इस तरीके से तीन वायरें हमारी हो जाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों इनपुट की मेन लीड की ये वायर फ्यूज होल्डर के इस वाले पॉइंट से लगी है और एक वायर वहाँ से हमने उठाई है और दूसरी जो वायर उठाई है वो फ्यूज होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट से उठाई है। इस तरीके से दो वायरें हो चुकी हैं और एक वायर जो दोस्तों आउटपुट की है वो सॉकेट पर से उठाई है। तो दोस्तों ये तीन वायर चार पिन वाले जैक पर लग जाएंगी। दोस्तों ये पिने हैं और ये जैक है, तो हम ये पिने लगाकर हम जैक को तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जैक को मैंने तैयार कर लिया है। ये न्यूट्रल है और बीच वाला आउटपुट का होता है और लास्ट वाली जो होती है वो चार्जिंग की होती है। और ट्रांसफॉर्मर जो निकलती है न्यूट्रल होता है और बीच वाला चार्जिंग होता है और लास्ट वाला जो होता है वो आउटपुट का होता है। दोस्तों इस किट को न्यूट्रल तीन पिन वाले जैक से मिल गया है, इसलिए हमने चार पिन वाले जैक में न्यूट्रल का तार नहीं लगाया है। तो दोस्तों ये इनपुट की होती है और जो वाइट तार है वो आउटपुट का है और सबसे लास्ट में जो होता है वो फ्यूज से वायर आती है। तो ये तीन वायर जैक में हमने लगा दिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो होता है इनपुट का होता है और जो फ्यूज़ का होता है वो ये वाला होता है और आउटपुट का सॉकेट से आता है। अब इन जैकों को लगा देते हैं। जैक हमने किट में लगा दिए हैं और वायरों को केबल टाई से बांध दिया है। अब दोस्तों ये दोनों ट्रांसफॉर्मर की वायर को इन दोनों हिस्टिंगों पे हमें लगा देना है और ये प्लस की वायर है, इस प्लस की वायर को इस वाले पॉइंट पर हम लगा देंगे। इतना करने के बाद हम पंखे का कनेक्शन करेंगे। पंखे का कनेक्शन करने के लिए हमें ये जैक काटना पड़ेगा और इस किट में पंखे को चलाने के लिए ये जैक दे रखा है। तो ये इसमें जैक लगाकर हम दो वायरें इस पंखे की वायर के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों इसमें ये वाली पिन जो होती है प्लस की होती है और दूसरी वाली जो पिन होती है ये माइनस की होती है। तो इतना काम हम कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की वायरों को हमने स्ट्रिंग पे लगा दिया है और प्लस की वायर ये लग चुकी है और पंखे का कनेक्शन भी हमने जैक के साथ कर दिया है। दोस्तों ये जैक जो होता है वो LED को जलाने के लिए होता है, तो इसके कनेक्शन हम अब करेंगे। ये LED जैक है, इसका पुराना है, इसको हमें हटा देना है और ये डायल को हमें खोल लेना है। और इस इन्वर्टर में दोस्तों दो स्विच होते हैं, एक UPS इन्वर्टर का होता है और एक हाई लो चार्जिंग का होता है। तो उसके लिए दोस्तों ये जैक दे रखा है, इन दोनों पिनों को हम मिला देंगे तो ये UPS मोड पर चला जाएगा और इधर के दो पिनों को मिला देंगे तो हाई चार्जिंग हो जाएगी। और ये जैक ऑन ऑफ के लिए है और ये LED जैक है। तो मैंने डायल को खोल लिया है दोस्तों। डायल को खोलने के बाद इसको हम यहाँ से जैक को निकाल देंगे और स्विच के लिए स्विच को अभी जैक ये काट देंगे और बीच वाली पॉइंट को छोड़कर ऊपर और नीचे इन दोनों पर इस स्विच का कनेक्शन करना है। और ये LED जैक है, इसकी जो पहली वाली जो पिन होती है दोस्तों वो न्यूट्रल की होती है और उसके बाद जो होती है वो इन्वर्टर की LED जलाती है, फिर मेन की, फिर चार्जिंग की और उसके बाद ओवरलोड, उसके बाद बैटरी लो। LED जैक की वायरों को इन LED पर लगा देना है। जो नीचे जो होता है न्यूट्रल होता है उस पर काली वायर लग जाएगी और बाकी देख सकते हैं मेन, चार्जिंग, UPS, बैटरी लो, ओवरलोड। और ये नो लोड की है तो इस पर कोई वायर नहीं लगेगी, इसको खाली छोड़ देंगे। तो कनेक्शन हमने कर दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों LED जैक के और स्विच के कनेक्शन हो चुके हैं, अब डायल को कस देते हैं। दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और LED जैक की वायरों को भी मैंने केबल टाई से बांध दिया है। दोस्तों इसका पंखा भी खराब था, मैंने पंखा इसका चेंज कर दिया है
और ये जैक देख सकते हैं दोस्तों, हमने हाई चार्जिंग पे इसको सेट कर दिया है। इसके जो ये स्विच थे दोस्तों ख़राब थे, टूटे हुए थे, इसलिए मैंने इसका कनेक्शन नहीं करा, मैंने डायरेक्ट किट पर से ही इसको हाई चार्जिंग पर कर दिया है। अब दोस्तों इसको 12 वोल्ट की बैटरी से लगाकर चेक कर लेते हैं। बैटरी से मैंने इसको लगा दिया है, अब स्विच ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यूपीएस ऑन हो चुका है और 238 वोल्टेज ही निकाल रहा है। 200 वाट का बल्ब मैंने इससे जला रखा है। अब मेन लगाकर मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। मेन और चार्जिंग इसमें आ चुकी है दोस्तों, मीटर में देख लेते हैं। ये डिजिटल मीटर है इसलिए एम्पियर कम दिखा रहा है, लेकिन इसके 18 से 20 एम्पियर तक होते हैं दोस्तों। इस किट को केवल सही से लगाना होता है, बाकी कोई सेटिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती।